वो तन्हा कौन है, अल्लाह हू अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाह हू अल्लाह, मेहरबान वो कौन है, अल्लाह हू अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाह हू अल्लाह, उसकी सब निशान है, فطع عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ظريفا صلي يا آل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله आपका वाटर पंप नल का आपके चाचू असलम है अंकल जी यूएसए से उन्होंने लगवा कर दिया है, ठीक है ना, आपने उनके लिए दुआएं करनी है, ठीक है, क्या करनी है, हाँ माशाल्लाह दुआएं करनी है उनके लिए, ये आपको मिठाई भी उन्होंने दी है, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह वो आगे भी आपके साथ तामन करते रहेंगे, आपने अपने अंकल जी के लिए दुआएं करनी हैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह उनके लिए उनकी फैमिली के लिए अल्लाह पाक उनके माल रिस्क में बरकत का आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह से ये वाटर पंप आज फाइनल करवा दिया है इनका हमारे भाई मोहम्मद असलम यूएसए से, तो और भी बहुत से वाटर पम्प वाशरूम हमारे भाई मोहम्मद असलम ने दिए हैं इस इलाके में, अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे जो मेरे इलाके की इतनी कुछ खिदमत कर रहा है राह लीला, तो अल्लाह पाक उसको अजर देगा, सदका जारिया है ये, तो वो भाई हमारे इस इलाके के लिए मदरसे के लिए जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत कोशिश कर रहा है, अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और कारी साहब की ये रिक्वेस्ट है कि वाशरूम की, वाशरूम नहीं है इन बच्चों के लिए, ये देखें नाज़रीन इकराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है मेरे देखने वाले सब बहन भाई खैरियत से होंगे, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो नाज़रीन इकराम, इस कारी साहब की रिक्वेस्ट ही इनके जो मदरसा है मदरसे का वाटर पम्प नहीं था, इनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं तकरीबन 80-90 की तादाद है जो इनके पास बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वज़ू करने के लिए पानी पीने के लिए परेशान थे, जो इनका ये मदरसा है ये शुगर मिल वालों ने बना कर दिया था, तो पानी की थोड़ी कमी थी, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे भाई हैं यूएसए से मोहम्मद असलम उन्होंने इस कारी साहब को वाटर पंप लगवा कर दिया है, अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो कारी साहब आपके वाटर पंप का इंतज़ाम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से, जो हमारे भाई हैं यूएसए से मोहम्मद असलम उन्होंने आपको वाटर पंप लगवा कर दिया है, तो जी मिठाई का इंतज़ाम भी उन्होंने किया है, तो आपने अपने भाई मोहम्मद असलम को दुआओं में याद रखना है, अल्लाह पाक उनकी माल रिस्क में बरकत अता फरमाए जी, आमीन आमीन। तो आपके बच्चों के लिए एक रिक्वेस्ट और भी थी कि बिजली नहीं है, लाइट का इंतज़ाम नहीं है, पंखों का इंतज़ाम, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, आपने दुआओं में याद रखना है। और पहले भी ऐसा आख्या ही कि वाशरूम लैट्रीन की ज़रूरत है जी, वो अगर कोई भाई खिदमत करे और कोई जल्द को जल्द कोई लैट्रीन अगर बन वाया बच्चे की सहूलत की हुई थी और अशद ज़रूरत है यही चीज़ की, तो कारी साहब की रिक्वेस्ट है इस मदरसे के लिए इन बच्चों के लिए यानी वाशरूम नहीं है बिल्कुल, तो वाशरूम की रिक्वेस्ट है कारी साहब की ताकि इन बच्चों के लिए वाशरूम बनवा कर दी जाए, ये अपनी दीनी तालीम पहले की तरह ये जारी रख सकें, तो इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन किराम मेरी भी रिक्वेस्ट है ये सदका जारिया है, सदका जारिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा रहें, तो इन बच्चों के मुस्तकबिल की सोचें ही नहीं कि दोनों के सदके, इंशाअल्लाह ताला हमारे माल रिस्क में
इजाफा फरमाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से ये वाटर पंप आज फाइनल करवा दिया है इनका हमारे भाई मोहम्मद असलम यूएसए से। तो वो भाई हमारे इस इलाके के लिए, मदरसे के लिए, जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत कोशिश कर रहा है। अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे रखे। और कारी साहब की ये रिक्वेस्ट है कि वाशरूम की, वाशरूम नहीं है इन बच्चों के लिए। ये देखें नाज़रीन इकराम, आपके सामने हैं ये छोटे छोटे बच्चे। तो इस इलाके में दीनी मराकज नहीं है, तो शुगर वालों की वो भी ऐसी समझे हैं, मेहरबानी है, थैंक्स है उनका, उन्होंने ये मदरसा बनवा कर दिया है कारी साहब को इस इलाके के बच्चों के लिए, ताकि ये कुछ दीनी तालीम हासिल कर सकें। तो लाइट का इंतज़ाम भी नहीं है, पंखों की ज़रूरत है। तो शमसी प्लेट अगर लगवा कर दी जाए, ये बच्चे आसानी से यानी गर्मी से भी बच जाएंगे। और वाशरूम की तंगी है, टैंक वाशरूम के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये छोटे छोटे देखें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इस बुज़ुर्ग बाबा ने राह लीला इस मदरसे के लिए अपनी ज़मीन वक्फ की है। अल्लाह पाक इसको भी अजर दे जो इस गरीब और मुस्तहक इलाके के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जे बाबा जी भी गरीब मजदूर तबका है, फिर भी इन्होंने अपने इलाके के लिए, क्यों हमारे इलाके में ये कह रहे हैं दीनी मराकज नहीं था, इसी वजह से मैंने अपनी जायदाद वक्फ की है ये मदरसे वाली जगह। तो मेल वालों ने हमारी हेल्प की है, मदद की है, यानी उन्होंने ये बनवा कर दिया है। तो वाशरूम की तंगी है अब, और वाटर पंप की तंगी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनल करवा दिया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह से। अब ये बच्चे यहाँ से ही वुज़ू करेंगे और इनके लिए ये तो आसानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वाशरूम की तंगी है। वो मेरी भी रिक्वेस्ट है आप बहन भाइयों से आएँ, ये सदका जारिया है, सदका जारिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इन बच्चों की दुआओं का हिस्सा बनें इंशाल्लाह। बाबा जी कारी साहब आपने दुआओं में याद रखना है। آمین یا اللہ جنہیں ملکہ کھلو غاضر سے انہوں نے کاروبار مال جان آمین یا اللہ مزید انہوں نے ترقی عطا فرمائے آمین 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 اللهم انا نجعلك في المسلمين اللهم انا نستغفرك صلى الله تعالى على خير خلق जी। जब भी आपने नमाज़ पढ़नी है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है, अपने भाई अपने अंकल मोहम्मद असलम जी के लिए दुआएं करनी है, ठीक है बेटा। अल्लाह नाज़रीन किराम तब तक दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।